के कुछ भाग जो हैं वो ऋषि मुनियों के तपस्थली के रूप में है, जहां भगवान भी अपना अपने कदम रखते हैं। तो ये जो है भगवान श्री राम का धाम है, और ये धाम विशेष करके प्रसिद्ध हुआ तुलसीदास जी इसी धाम में हनुमान जी की कृपा से भगवान राम का दर्शन प्राप्त किए। अद्भुत चीज था, भगवान यहां पे त्रेता युग में 11 वर्ष बिता चुके थे, और उन्हीं भगवान को फिर से चित्रकूट में बुलाने का काम किसने किया? तुलसीदास ने। तुलसीदास की भक्ति ने किया। आप लोगों को कल बताया गया था, तुलसीदास का जब जन्म हुआ तो उनको उनको किस नाम, उन्होंने सबसे पहले क्या नाम लिया? राम। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? राम बोल। तुलसीदास का एक नाम राम बोल। जानना चाहिए, ये सब जानना चाहिए। हम बच्चों को बताएंगे तो बच्चों में वे संस्कार आएंगे, बच्चे पूछेंगे कि राम बोल क्यों नाम पड़ा, कहानी सुनेंगे माँ पिता से, दादा दादी से। तो ये जो धरती है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसका विकास राजा हर्षवर्धन का नाम आपने सुना होगा। तो हर्षवर्धन का सबसे ज्यादा योगदान रहा इस चित्रकूट के विकास, भौगोलिक विकास में। और हम लोग जिस क्षेत्र में आज बैठे हैं वो मध्य प्रदेश के सतना जिले में आता है। कल मैंने आप लोगों से कहा था चित्रकूट जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पे है। तो हम लोग जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले में अवस्थित हैं, और हम लोगों ने जो है अति दुर्लभ हनुमान धारा का जो है हमने दर्शन प्राप्त किए, और माँ सीता यहाँ पे उनकी रसोई है उसका हमने दर्शन प्राप्त किया। कहा जाता है कि माँ सीता जो है सबसे पहले जब यहाँ पे आई, तो होता है कि जब हम नए घर में प्रवेश करते हैं तो उनके लिए चित्रकूट भी वनवास में एक घड़ी था। तो उन्होंने सबसे पहले ऋषि मुनियों को बुलाया, तो ऋषि मुनियों में 5 ऋषि को बुलाया, 2 का नाम मुझे याद है, 3 का नाम फिर हम कभी मिलेंगे आपसे तो आपको सुनाएंगे। एक तो अनसुईया के पति अत्रि थे, और दूसरा जिनसे भगवान राम ने शक्तियां अर्जित की थी, अगस्त मुनि। तो 2 ऋषियों का नाम मुझे याद है, ये कहानी मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। तो दादाजी की कहानी इतनी पुरानी हो गई कि 3 नाम हम भूल गए। आज की बात नहीं है, आज से हम कह ले 45-47 वर्ष पहले की घटना है, मैंने कहानी सुनी। उनसे बड़ा उनको उनको रोक रोक के जो है ना, उनको कहीं जाना चाहते थे तब भी मैं रोक लेता था। दादाजी अयोध्या में गए तो क्या देखे, दादाजी गोमुख गए तो वहां पे गंगा कैसी निकलती है, पहाड़ों से कैसी निकलती है, गजब गजब के प्रश्न मैं करता था। अब वो अपना कभी कभी, अरे तो दूर भाग यहां से, वो तो खाली प्रश्न ही पूछता है, खाली प्रश्न पूछता है, दादाजी कहते थे। तो उनकी बातें जो है मुझे आज भी कुछ बातें याद है। उन्होंने कनक भवन का जिक्र किया था अयोध्या का, जब मैं प्रभु अपने गुरु के साथ, कुमार लीला प्रभु के साथ जब हम गए अयोध्या, तो सबसे पहले मैंने इच्छा जाहिर की कि हमको सबसे पहले आप कनक भवन दिखाएं, जहां जिसकी जिसका वर्णन जो है वो कनक भवन आज भी वैसे ही है। कैकेयी ने सीता को दान में दिया था, सीता को दिया था वो मैंने सोने का जो है ना, उसमें सब मूर्तियां थी, सोने का वो था कनक भवन, इसीलिए नाम पड़ा था, कनक मतलब सोना। तो ये मेरी जिज्ञासा थी कि मैं उस कनक भवन को देखूं जिसके बारे में दादाजी मुझसे बात किया करते थे। तो दादाजी की कुछ बातें मुझे याद है, कुछ मैं भूल गया।
तो मैं बैठे बैठे जो है याद कर रहा था कि दादाजी ने मुझे क्या क्या चीजें बताई, वो मैं आपको बता सकूं। हो सकता है कि इससे ज्यादा भी कोई आपको बता सके। तो यहां जो है ये सतना जिले में स्थित है और ये जो है हनुमान धारा मंदिर की बात ही निराली है। तो हनुमान जी के जो है बाएं हाथ पे सदा जल गिरते रहता है, आपने ऊपर से देखा होगा एक पाइप के थ्रू, वो ऊपर से पहाड़ के थ्रू जो है ना उसमें पाइप लगा दिया गया है, वो जल जो है सिर्फ उनके बाम अंग पे गिरता रहता है, बाएं हाथ पे गिरता रहता है। कारण क्या है कि ये तब कब की घटना है जब भगवान राम जो है हनुमान रावण पे विजय प्राप्त कर ली, रावण को मार दिया, वहां से लंका से जब भगवान राम अयोध्या आए तो हनुमान जी भी साथ में सेवा में लगे हुए थे, तो सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने एक बार भगवान राम से अपनी दुख व्यक्त किया, अपनी दुविधा व्यक्त की कि प्रभु जब से हमने लंका का दहन किया है, अग्नि से तो वरदान है मुझे कि अग्नि नहीं जला सकती, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जब मैंने लंका को जलाया तब से जो है मेरे शरीर के अंदर जो है ताप हमेशा बने रहता है, हमेशा उसमें गर्मी से जो है ना मुझे तकलीफ होती है, मैं कोई काम करता हूं तो उस काम में मेरे अंदर की गर्मी व्यवधान उत्पन्न करती है, बाधा उत्पन्न करती है। भगवान राम से हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी को अग्नि से वरदान प्राप्त था, अग्नि जला नहीं सकती हनुमान जी को, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन क्या कारण था, कुछ कारण होगा, सब ब्राह्मणों को जो है ना ब्राह्मणों का एक तो वध हुआ लेकिन पाप उनको नहीं लगा, इसलिए कि उनका मन हमेशा भगवान राम में था, जितनी भी काम करते थे वो शरीर से करते थे, मन उनका हमेशा भगवान में होता था, इसलिए उनको कभी कोई पाप नहीं लगा, कभी कोई उनको कोई फल बुरा फल, अच्छा फल बुरा फल होता है तो उसका कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा, लेकिन कुछ तो हुआ। अब जो कुछ भी हुआ तो भगवान हनुमान को जो है ना, हनुमान जी को शरीर में तकलीफ थी, दिखाई नहीं देता था, वो भगवान की सेवा हमेशा करते थे लेकिन उनको कुछ तकलीफ अंदर से होती थी, उनको महसूस हुआ कि मैं जिस भाव से मेरी सेवा होनी चाहिए नहीं हो रही है, और कारण है मेरे शरीर, मेरे अंदर की उष्णता, मेरे अंदर की गर्मी, मेरे अंदर की ताप, इसके चलते मैं उनकी सेवा में अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं। तो भगवान से उन्होंने अपनी बात व्यक्त कर दी। तो क्या कहा उन्होंने, भगवान राम ने क्या कहा कि ठीक है तुम ऐसा करो, तुम जो है फिर से पंचवटी पे जाओ। और ये भगवान राम की कृपा थी, ये धारा हनुमान धारा हनुमान जी के आने के बाद जब वो धारा उन्हें मिली बताए हुए स्थान पर जब हनुमान जी आए तो देख रहे हैं कि एक धारा निकल रही है पत्थर से, और उन्होंने लोकेशन भी बता दिया था भगवान राम ने कि वहां पे जाओ एक धारा तुम्हें मिलेगी, उसी धारा में जो है ना तुम अपना शरीर कोई अंग करना। तो उन्होंने अपना बायां हाथ जो है उस धारा में कर ली, और उन्होंने ये भी कहा कि उस जल से तुम्हारे अंदर की उष्णता जो है, जो गर्मी है, ताप है, वो शांत हो जाएगी। तो अनवरत वो जल कहां से आ रहा है किसी को नहीं पता, वो जल हनुमान जी के बाम अंग पे गिर रहा है, जल नीचे आ रहा है, वहां से गिर के आपने देखा होगा एक कुंड में आया, फिर कुंड से नीचे आया और नीचे से कहां गया किसी को पता ही नहीं चला। इसीलिए उसको उसका दो नाम है, एक नाम मुझे याद है उसको बोलते हैं गुप्त गंगा, पहाड़ से निकली और पहाड़ में गायब हो गई। तो किसी विशेष उद्देश्य से निकली ना, भगवान राम की इच्छा से निकली ना, इसलिए वो गायब हो गई। लेकिन आज जो है भगवान हनुमान जी के माध्यम से उस विशेष जल को हमने भी रसा स्वादन किया, हमने भी उसे धारण किया। तो ये तो हो गया हनुमान धारा के बारे में। और हनुमान जी की जो मूर्ति आपने दर्शन की, पूरे भारत में एक से एक बड़े 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 मंदिर हैं, बिरला का बनाया हुआ मंदिर है, बड़ा बड़ा मंदिर है हनुमान जी का। आप पटना में जाएंगे तो
तो हनुमान जी का भव्य मंदिर दिखाई देगा जंक्शन पे, लगेगा कि बाप रे कितना बड़ा मंदिर है, और है भी, हनुमान जी की गजब प्रतिमा है वहां पे। तो भगवान जी की आप जो है अनगिनत मंदिर देखेंगे, लेकिन इस मंदिर में क्या, तो आप लोगों को मैं मजबूर करता कि वहां खड़े होकर भगवान के आंखों में आंख डालिए, हनुमान जी के आंखों में आंख डालिए। ये मूर्ति जो है बहुत ही विशेष थी, आप लोग भी चूक गए, मैं भी चूक गया। एकमात्र ऐसी मूर्ति जो हमेशा हंसमुख है, जो हमेशा मुस्कुराते रहती है, और भगवान के उस हंसी को जो अपने अंदर धारण कर लेता है उसके ताप मिट जाते हैं। उसके ताप, तीन तरह के ताप होते हैं, कोई बताएगा कौन कौन से ताप है? त्रिताप जो बोलते हैं, भौतिक ताप, दैहिक ताप और आध्यात्मिक ताप, तीन ताप होते हैं। तो ये जो है कहा गया है कि तीनों ताप मिट जाते हैं उस, जब भगवान के मुस्कुराते हुए, हनुमान जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा आप नहीं देखेंगे, लेकिन अब मैं बता रहा हूं, अगर किसी को वाकई में देखना है कि वाकया सचमुच मुस्कुरा रहे हैं, आप अभी से आपको आप जा सकते हैं, दर्शन करके देख सकते हैं मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं मुस्कुरा रहे हैं। अब अगर आपको अपने अंदर विश्वास है तब तो कोई बात नहीं है, विश्वास नहीं है तो इतना फिर से प्रयास ले उतरने का, ठीक है? ये वर्णन है हाँ? तो सबसे बड़ी और एक और चीज बताया गया है, वर्णन है इसका, कि अगर आपके अंदर कोई तनाव है, कोई टेंशन है ना, आपके अंदर किसी भी तरह का कोई तनाव है, तो भगवान जी के इस, भगवान हनुमान के भक्त शिरोमणि हनुमान के इस विग्रह को देखने के बाद वो जो है खत्म हो जाता है, तनाव से आप मुक्त हो जाते हैं और आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है, आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। तो वही कहानी है जिसको हमने आपको बताया कि कैसे हनुमान जी ने भगवान राम से जो है ना अपनी इच्छा प्रकट की। तो ये पर्वत जो है, इस पर्वत के बारे में जानिए, ये जो है आपने विंध्याचल का नाम सुना होगा और माँ विंध्याचल का के दर्शन के लिए आप आते होंगे। कितने लोग विंध्याचल मंदिर में आए हैं, हाथ उठाएं। बहुत ही दुर्लभ गंगा नदी के किनारे देवता लोग वहां पे दर्शन करने आते हैं। तो हाथी का मंदिर है वहां पे, दो मंदिर बहुत विशेष है, एक तो शक्ति की और एक मंदिर किनका है, ध्यान से सुनिए आप लोग कहानी तो समझ में आएगा। एक जब कंस आठवां जब संतान हुआ तो कंस को भाई हरेक संतान को देना था और वो उसे पटक के मार देता था। एक संतान को नहीं दिया गया, संकर्षण से एक माँ के गर्भ से दूसरे माँ के गर्भ में, माँ रोहिणी के गर्भ में उसे प्रवेश करा दिया गया। संकर्षण प्रक्रिया है, इसी के चलते उनका नाम, बलराम का नाम, शेषनाग का नाम संकर्षण पड़ा। तो अब जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो कैसे भगवान श्री कृष्ण को उनकी लीला से जो है ना सारे जेल के दरवाजे खुल जाते हैं, सारे जितने फाटक हैं खुल जाते हैं, सैनिक सब सो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और वो जाके जो है नंद महाराज के यहाँ अपने श्री कृष्ण को छोड़ आते हैं। और वहां से जब लौटते हैं तो जो कहानी मैं जानता हूं वो खाली हाथ नहीं लौटते, वहां से उनकी एक कन्या को लेके आते हैं, उनके यहाँ एक कन्या जन्म ली थी, उस कन्या को लेके आते हैं और उसी कन्या को जो है, उस कन्या, इन्होंने बोला कि अरे भाई मैं कैसे दूसरे की पुत्री को कैसे कंस को दूंगा, बड़ा पाप लगेगा। तो वो छोटी सी बच्ची जो है वो आवाज कर रही है, आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे दीजिएगा कंस को, घबराइए मत, मैं ऐसी वैसी नहीं हूं कि हमको कंस मार देगा, है ना, खेल खेल में मार देगा, ना ना आप चिंता मत करना, हमको देना आप।
तो ठीक वैसे ही उन्होंने जाके कंस को सौंपा। कंस ने देखा, अरे आठवीं संतान तो लड़की है, आठवीं संतान तो कृष्ण को होना था जो मेरा दुश्मन है, तो ये लड़की हो गई, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो भविष्यवाणी से उल्टा हो गया। तो बोला कि कोई बात नहीं, ये पहरेदारी में कोई बच्चा दूसरा तो बदल नहीं सकता, ये कोई आ नहीं सकता, हवा भी साथ नहीं अपने हमारे बिना मर्जी के नहीं आ सकती। तो उस बच्ची को जो है ना वसुदेव ने दे दिया, वसुदेव मतलब कृष्ण के पिता ने जाके सौंप दिया किसको, कंस को, लो ये बच्ची जन्म ली है। तो बच्ची को जैसे उसने सौंपा तो उसने क्या किया कि पत्थर पे मारने के लिए जोर से ताकत लगाया और बच्ची को जमीन पे मारा, पत्थर पे मारा, और वो बस उसके हाथ से तुरंत हवा में उड़ गई। वो तो शक्ति थी, माया थी, महामाया थी, वो उड़ गई वहां हवा में। और उसने कहा, अरे मूर्ख, तुमको मारने वाला पैदा ले चुका है, तुमको अगर मारना है तो मार उसको। और वहां से उड़को वो उड़के कहां स्थापित हुई, वही महामाया कहां स्थापित हुई, विंध्याचल में स्थापित हुई। तो भगवान देखिए कहां से जो है ना वो शक्ति चली है, और उन्होंने अपना घर कहां बनाया, विंध्याचल, है ना। दोनों शक्ति उनका भी मंदिर जहां पे वो साक्षात वहां उतरी थी और वहां पे उनका विग्रह बनाया गया, लाखों लाखों भक्त जो है हम लोग रास्ते में आए हैं उसी रास्ते से होके आए हैं, विंध्याचल से होके आए हैं। तो वही ये जो श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी जिस पे आज हमने चढ़ा है, वो पवित्र विंध्याचल पर्वत का की श्रृंखला है ना। ये कोई ऐसा वैसा श्रृंखला नहीं है। आज हम लोगों ने विंध्याचल पर्वत को भी स्पर्श किया, हमने विंध्याचल पर्वत को भी नमन किया। विंध्याचल पर्वत बहुत बड़े भक्त भगवान के अनन्य भक्त थे। और विंध्याचल पर्वत जहां तक गया है वहां तक ऋषि मुनि तपस्या किया करते हैं, है ना, इनके छांव के अंदर। तो ये जो है हनुमान धारा के बारे में मैंने आपको बताया कि हनुमान धारा क्यों प्रसिद्ध है, और इसके बदौलत जो है हनुमान जी को चिर शांति, चिर ठंड जो है ना महसूस हुआ, उनके शरीर के उष्णता जो है हमेशा हमेशा के लिए वो जाती रही, उनके कष्ट जो है भगवान ने हमेशा हमेशा के लिए हर लिया। ये जल जो है कभी बंद नहीं होगा, जब तक हनुमान जी रहेंगे इस धरा पे ये जल गिरती रहेगी, ये जल गिरता रहेगा, ये धारा कायम रहेगा। हनुमान धारा बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है ना, शास्त्रों में हर एक जगह इसका वर्णन है। तो भगवान की लीला भगवान ही जाने, हम तो उनके लीला का गुणगान करते हैं, हम उनके लीला का रसा स्वादन करते हैं, हम उनकी लीला से कुछ भक्ति प्राप्त करने की कामना करते हैं। तो हम सब भक्त जो है अथक परिश्रम के बाद हम लोग ऊपर चढ़े हैं, तपती हुई गर्मी, सब कष्ट में है, सबको ठंड चाहिए, सबको है ना ठंडा ठंडा पानी चाहिए, है ना, शांति चाहिए हृदय में, बड़ी तकलीफ है। आज तो मैं चढ़ नहीं पाता, मेरे दोनों घुटने नाकामिल थे, लेकिन माता जी जो है हमें जो है अब क्या सेवा दी है, मैं अपने इस जीवन में तो नहीं भूल सकता। एक माँ जो है ना हमें नीचे से ऊपर तक उठा, कंधे पे हाथ रख के ले गई है, सर दबाई है, पानी पिलाते पिलाते, दस दस कदम पे बिठाते बिठाते। आप लोगों को किसी को पता नहीं था कहाँ हूँ और कैसे हूँ, लेकिन मैं उस सेवा के लिए जीवन भर जो है कर्जदार रहूंगा। आज अगर वो नहीं होती तो मैं हनुमान जी का दर्शन नहीं कर पाता। तो ऐसे भक्तों के लिए हम एक बार तीन बार हरी बोल बोलेंगे, हरी बोल, बोल, हरी बोल। आप सबों का कल्याण, और फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। और कोई जिज्ञासा है आपके मन में, है ना, हाँ, तो भगवान के नाम में अपने हम शक्ति को डालें, अपना मन को डालें, और फिर हम चलते रहें, कोई बाधा नहीं आएगी। सब जब मन भगवान में नहीं होगा, संसार में होगा तो हमें तकलीफ होगी, जब मन भगवान में होगा तो ये गर्मी हमारी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।